ओम साई राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि हम कैसे अपनी ओल्ड टी शर्ट का रियूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टी शर्ट लेनी है और उसको अच्छे से रख लेना है और उसमें 1.5 इंच के करीब हमें पतली स्ट्रिप निशान लगा लेना है और पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेनी है। 1.5 इंच के करीब हमें स्ट्रिप कट करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही आप लोगों को करना है। स्लीव्स और नेक एरिया को हमें साइड में कर लेना है, उसको उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। हमें फ्रंट एंड बैक एरिया में से ही कट करना है। ये मैंने स्लीव्स और नेक एरिया को कट कर लिया है और इसमें से पतली पतली स्ट्रिप निकाल ली है। अब ये जो जॉइंट था, इस दोनों जॉइंट को हमें अलग कर लेना है। सभी स्ट्रिप पे हमें सेम ऐसे ही करना है, सभी स्ट्रिप के हमें जॉइंट को अलग कर लेना है। अब ये सारी स्ट्रिप हमने इकट्ठी कर ली है। अब जैसे मैंने टेबल पर एक तरफ रस्सी बांध दी है, आपके पास जो हो आप उसमें बांध सकते हैं। मेरे पास टेबल थी, मैंने टेबल के दोनों साइड एक डोरी बांध ली है। अब हमें स्ट्रिप लेनी है और उसको ऐसे करके जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे करके लॉक कर लेना है। थोड़ा टाइट लॉक कर देना ताकि हम जब इसे यूज़ करें तो ये ख़राब ना हो। ऐसे ही हमें सारी स्ट्रिप को इस डोरी में बांध लेना है। ये मैंने धीरे एक एक करके सारी स्ट्रिप लगा दी है। गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देर काम करके मुझे प्यास लग गई तो मैं पानी पी रही हूँ। जैसे कि सबको पता है पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, तो 7 to 8 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए। ये देखिए अब हमारा वो तैयार हो गया है। अब स्लीव लेनी है और हमें एक डंडा लेना है, या आपके पास वाइपर का कुछ भी रखा हो, वाइपर का जो डंडा होता है वो रखा हो तो आप वो ले सकते हैं। और उसको ऐसे इसमें लगा कर टाइट करके दोनों साइड डोरी बांध लेनी है। फिर इस डोरी को इसके चारों तरफ लगाना है सर्कल की तरह बिल्कुल, और इसके अंदर से इस डोरी को निकाल कर अच्छी तरह लॉक कर लेना है। गाइस, आपको टाइट करके बांधना है ताकि आप जब इसका यूज़ करें तो ये निकल ना जाए। अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वाइट कलर का था तो मैंने वाइट कलर की डोरी बांधी है। अगर ब्लू हो तो आप ब्लू भी बांध सकते हैं, उससे और अच्छा लगेगा। और फिर एक थोड़ी सी तो ये लीजिए, ये तैयार हो गया है हमारा मोप। और इसका यूज़ हम विंडो क्लीन कर सकते हैं, हम फर्श क्लीन कर सकते हैं, इससे हम बेड क्लीन कर सकते हैं और हम इसे सोफ़ा भी क्लीन कर सकते हैं। इससे हम अलमीरा भी क्लीन कर सकते हैं। और गाइस, इसका यूज़ हम कर्टेन क्लीन करने में कर सकते हैं। तो देखिए एक विंडो से, एक मोप से हमने कितने काम कर लिए हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।